विस्तारं करो भूतां यातारं विश्व तत्वानां वन्दे तत्वं लब्धे देवादि कच्चारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादि कच्चारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादि महादेव भगवान की जय। अवधेश्वर बाहुली भगवान की जय। अद्वैतदेव भगवान की जय। जन्म बोध बहुत आसान मई जनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान की जय। मठामी आचार्य भगवान की जय। समंतोदर आचार्य भगवान की जय। पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन अपने बारे में सुनने का मतलब जो हम हैं उसका अस्तित्व क्या है, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे और आगे इसमें क्या संभावना, आगे हम प्रगति कैसे कर सकते हैं, इस बात का चिंतन जैन दर्शन में जैन आचार्यों ने बताया है। उमाशमी आचार्य भवन ने तत्वार सूत्र के छठवें अध्याय में वह सारी प्रूपना बताई है जिससे संसार का निर्माण होता है। इस सृष्टि आंतरिक सृष्टि अंतरंग का संसार कैसे बनता है, इसकी रचना छठवें अध्याय में। तो कौन कौन सा मटेरियल लगता है जिससे आंतरिक सृष्टि का निर्माण होता है, तो उन्होंने सीधा कहा ये शरीर वचन और मन, इनके द्वारा क्रिया का संबंध होता है और उसी से आश्रय होता है और वो आश्रय शोभ रसुख दो प्रकार का है, सुख से पुण्य का आश्रय होता है और सुख से पाप का आश्रय, और उसमें हमारी कसायों का सहयोग होता है पुण्य रूप में भी और पाप। कषाय को अग्नि कहा, अग्नि नुकसान भी करती है अग्नि फायदा भी करती है, अग्नि से हमारे हाथ पैर शरीर और कीमती संपदा भी जल जाती है और अग्नि से ही हमें स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, शीत दूर हो जाती है, गर्म भोजन मिल जाता है, अग्नि से दाहक पाचक और प्रकाशक जो अग्नि की शक्ति है वह हरे रूप में भी होती और बुरे रूप में, ऐसी कषाय के बारे में बताया जो कषाय सहित आश्रय और सांप्रायिक, और सांप्रायिक में इंद्रिय कषाय अवृत क्रिया ये काम करती है। जो हमारी कषाय विषय कषायों की इंद्रिया हमारे इंद्रिय मन विषय कषायों के प्रति आकर्षित होकर अशुभ लाती, और वही इंद्रियां और मन जब प्रभु भक्ति में गुरु भक्ति में परमेश्वर की भक्ति में लगते हैं तो उनकी बरगनाई जाती है। और उन कषायों का भी प्रभाव, क्योंकि जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए भी अग्नि कोष की जरूरत होती है वायु, और उसको बुझाने के लिए वायु, उसी प्रकार से आत्मिक विकास में वो कषाय इस कैटेगरी से वो सहयोगी बनती है आत्मिक विकास में। जब वह कषाय शोध और बदले की भावना से भरती है तो वह
पतन का कारण बनती है और वही कसाई जब सहयोग की भावना से भरती है उत्थान का कारण बनती है। साधु जीवन का मतलब समत्व आ जाना। जब साधु अपनी सारी प्रकार की विपरीत पस्तियों में भी समत्व रखता है तो स्वर्गों के देवों की सिंहासन डोलने लगते। लेकिन साधु समता में स्वर्गों के देवों के सिंहासन को हलाता है तो जब साधु अपनी क्षमता दिखाता है तो साधु क्षमता से राजा महाराजा और चक्रवर्तियों की सिंहासन को बाली मुरराज ने अपनी क्षमता दिखाई तो रावण रोने विष्णु कुमार मुरराज ने अपनी क्षमता दिखाई तो बलि उस साधु की कसाय ऐसा नहीं धर्म रक्षा के लिए प्रभावना के लिए इन सब का उपयोग होता है और क्यों का उपयोग होता है वही तो कसायों का प्रभाव। लेकिन वही यदि स्वार्थ के लिए केवल अपने नाम के लिए कर रहे हैं तो वह पतन का कारण है। उसी प्रकार से अवृत क्रियाएं जो सबके साथ जुड़ी हुई है हमारा मन इंद्रियां जब अवृत की तरफ असंयम की तरफ परिवर्तन करते हैं तो अशुभ का यात्रा होता है। लेकिन अवृत में भी जब व्यक्ति कहीं ना कहीं एक चीज का मर्यादा हो जाता है तो बीज रूप से उसकी उन्नति होना शुरू हो जाती है। जैसे भील ने एक मांस का त्याग कर दिया सब प्रकार के मांस खाते हुए एक मांस का त्याग कर दिया तो उसकी अवृत और 25 गांव में पिछले दिनों से एक ही बात करें पहली क्रिया सम्यक वर्धनीय क्रिया है जिसमें सच्चे देव साधु की पूजा का विधान किया गया है और ऐसी सम्यक वर्धनीय क्रिया को लोग क्रिया कांड मानकर हिंसा का कारण मानकर उसमें हर प्रकार से कटौती कर रहे हैं कांड छांट कर रहे हैं उत्पन्न कर रहे तो आपके पास बचेगा क्या। सच्चे देव साधु की श्रद्धा सम्यक दर्शन का कारण है लेकिन उनकी पूजा उस सम्यक वर्धनी क्रिया है सम्यक गुण को बढ़ाने वाली क्रिया है सिद्धि को बढ़ाने वाली। इसलिए इस अपने सांप्रदायिक आश्रयों को अपन समझ करके अपनी उन्नति करें अपने परिणामों की उन्नति करें वही चीज जब तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात आवादी करण विशेष व्यस्त होती है उसमें विशेषता आती है तीव्र भाव मंद भाव ज्ञात भाव अज्ञात भाव अधिकरण अधिकरण और उसमें वीर विशेष शक्ति विशेष अधिकरण माने आधार। वह आधा दो प्रकार का जीव अजीव अधिकरण जीव अधिकरण संभ्रम समारंभ आरंभ योग कृतकारता मत कषाय विशेष चतुष्टय ये आप आलोचना पाठ में पढ़ते ही है संभ्रम समारंभ आरंभ मन वचन यही उसका भाव। इन पंक्तियों को इस सूत्र को पढ़ते हुए आलोचना पाठ याद कर लो आपको उसका अर्थ याद चाहे अच्छे कर्म को हम संभ्रम समारंभ आरंभ में करते हैं या बुरे कर्म को करते हैं। रविशयन आचार्य भगवान पद्म पुराण जी ग्रंथ में लिखते हैं कि जब हम किसी शुभ चीज का संकल्प लेते हैं जनक भगवान के मंदिर जाने के दर्शन करने का संकल्प लेते हैं तो जब चिंतो सब सहज लखा पड़गम ने कोड़ा कोड़ी अनंत
माने हमारी संकल्प मात्र से ही वो पुण्य का आश्रय होना शुरू हो जाए, अधिकरण आधार, और उसमें शक्ति विशेष होना, इनके कारण आश्रय में विशेषता आती है। तो जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण निर्वर्तनानुक्षेप संयोग निसर्ग द्वि चतुर्थी त्रिभाजा परम, ये सब चीजें हम बहुत अच्छे से चिंतन करें। तत्वार सूत्र का छठवां सातवां आठवां तीन अध्यायों को हम अपने जीवन में दो दो बार नहीं सौ सौ बार पढ़ लें, आपको जैन धर्म का रहस्य अपने आप समझ में आने लगेगा, अपने आप सम्यक दर्शन की अनुभूति होगी, अपने आप आपके अंदर चार्थ को ग्रहण करने की लालच का जागृत हो जाएगी। तो ऐसा संसार जो हम बनाते हैं मन वचन काय के द्वारा, तो ये अशुभ कर्म को लाने की प्रक्रियाओं में हम जुटे हुए हैं, लेकिन और भी जो विशिष्ट कर्म हैं, जो अधिकरण है, नौ कर्म हैं, सहायक कर्म हैं, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मों को लाने के लिए उसके लिए सूत्र बनाया, तत्प्रदोष निम्नो मास्चार्यांतराया साधनो भाता ज्ञान दर्शनावरणी हो। ये कितनी अच्छी अच्छी बातें कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और कुछ नहीं आता, और कुछ बच्चे थोड़ा सा पढ़ने की बात पर सीख जाते हैं, यही तो उस ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का। जब हमारा मन अच्छे ज्ञान में प्रदूषण लगाता है, अच्छे ज्ञान के बारे में गलत सोचता है, समझ लेना हमने उसे अपने मन को प्रदूषित करना, ये प्रदोष हो। वचनों के द्वारा ज्ञान का अपलाप करना, अच्छी बात कह रहा है कोई, ऐसी नहीं है, ये आगम नहीं है, ये फलाना नहीं है, बस हो गया काम। आज वर्तमान में अपलाप बहुत हो रहा है, खुद जानते नहीं है और दूसरे की मानते। ये निन्नव मात्सर्य ज्ञान देने योग्य भी है, फिर जिस भाव से नहीं देना चाहते तो मात्सर्य अंतराय, किसी व्यक्ति ने अपने आप को ज्ञान की आराधना में लगाने की कोशिश की, उसके साधनों को नष्ट करने का विकल्प अंतराय है, और वह दूसरों से पूछ रहा है, उसे बताने वाले को भी मना कर देना, किसको नहीं बताना, कि आसाधन और किसी तरह से उसने ज्ञान का उपार्जन कर लिया है और उसे संदेश पैदा कराने का प्रणमन करना कि किसी तरह से का ज्ञान छूट जाए, ये उपघात नाम का भाव है, हाथ नाम की क्रिया है। अब इससे अच्छा स्पष्ट को कहां अपन समझ सकते। असाता वेदनी के लिए दुख शोक ताप आक्रंदन, ये रात दिन हम दुखी कम है बताती जा। पिछले दिनों बताया कि जब खूब व्यापार में आमदनी होती है तो किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा घाटा हो गया सबके सामने रोते हैं, अरे हम बर्बाद हो गए, अरे हमें बहुत घाटा हो गया, हम कंगाल हो गए। यही तो चीज है कि जब थोड़ा दुख होता है तो हम उसे बहुत बड़ा चला करके महिमा मंडित कर देते हैं, वही हमारी असाता वेदनी करती है। और कितना ही बड़ा दुख हो उसे संतोष पूर्वक अपने कर्म का उदय मान करके उसे हम सहन कर लें, दूसरे को दोष ना दें, वह सारा असाता वेदनी का व्रत है, साता वेदनी में परिवर्तित हो जाए।
लेकिन हम असाता की वर्णाओं को पढ़ाते जा रहे हैं। साता की वर्णाएं कैसी आएंगी, तो वो दिया है भूत व्रत अनुकंपादान राग संयमादि होगा शांति भूत अनुकंपा वृद्धि अनुकंपा दान सराग संयम आदि का योग शांति और शौर्य ये साटा वेदनी कर्म की वर्णाओं को आने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। भूत अनुकंपा चारों गतियों के दुखी जीवों के प्रति उसकी पीड़ा को दूर करने का भाव भूतन कंपा बताया था कि नरकों के जीवों के प्रति भी जो देव होते हैं वे अनुकंपा करके वहां जाते हैं, उन्हें संबोधन करते हैं, उन्हें सम्यक बना देते हैं, यही तो अनुकंपा। कितने जीव वर्तमान योग में पढ़ते हैं, मित्र होते हैं, कहते भैया हम कहीं भटक जाएं तो आप मुझे संबोधन करने, और वही था रामचंद्र जी जब अपने भाई की राग से विचलित हो गए तो स्वर्गों के देव आए और उनको संबोधन दिया, वैराग्य दिलाया। ऐसे कई वर्तमान योग के उदाहरण मिलते हैं कि जिन्हें उन जीवों का उपकार किया, उन उपकारी जीवों का उपकार चुकाने के लिए स्वर्गों के देव आना चाहिए। पढ़ेंगे तो पता लगे हम देवों का उपकार क्या, हमने पड़ोसी का भी उपकार नहीं करते, हम किसके उपकार की बात, किसके अनुकंपा की बात। दूसरे के दुख को स्वयं का दुख समझ करके उसे दूर करने का भाव रखना अनुकंपा का लक्षण है। अनुकंपा दान केवल अनुकंपा ही नहीं दिखाना है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उस दान के द्वारा उनकी अनुकूलताएं प्रदान करना। श्राग संयम आदि होगा, जो श्राग संयम आदि का योग है, महाव्रत आदि को पालने की जो भावना विशुद्ध है वो सब तीव्र शाखा विधि कर, और हट जाएगा तब बोलूंगा। दूसरे के अंदर के क्रोध भाव को प्रशमित कर देना क्षमा भाव है, और स्वयं के अंदर कषाय भाव का उत्पन्न नहीं होने देना ये शांति है, और शौच निर्लोभता। निर्लोभ के प्रकार बताते हुए पूज्य पादाचार्य भगवान ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, परक पूजन तत्परता वाल वृद्ध तपो भैया उपकरण, ये दो साधन तीव्र शाता भेदनी कर्म के आश्रय हो जाते। सोचिए आप, अरक पूजन तत्परता वादिराज मुनिराज ने कितनी तत्परता से अरंग भगवान की पूजन की, भाव पूजन एक ही भाव स्तोत्र, क्या उसमें एकत्व हो गया भगवान के प्रति। 8 घंटे की रात्रि में वह गलत कुष्ठ रोग दूर हो गया, साया स्वर्ण के समान हो गया। धन है वो मैना सुंदरी जिसने सिद्ध चक्र का विधान किया, और क्या किया उसमें, ऐसे ही नहीं कर दिया, पूरी विधि पूर्वक किया। कोई कुछ भी कहे कुछ भी माने उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान जो कह रहे हैं उस बात को सुन। अभी एक दिन हम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का प्रवचन सुन रहे थे, फिलिपिन पर किसी ने सुनाया कि आचार्य श्री कह रहे थे कि मैना सुंदरी ने 700 कुश्तियों को क्या लगाया, उस अभिषेक का घी लगाया। अकेला घी नहीं, घी तो कोई भी लगा लेगा,
अकेले घी का बात नहीं है, उस बात को पकड़ना चाहिए। गुरु महाराज क्या कहना चाहते, एक दिन उन्होंने कहा था गंधोदक, यानी गंध को जल में मिलाना या जल को गंध में मिलाना, उसका नाम गंधोदक है। कोरे पानी का नाम गंधोदक नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी मनमानी करते हैं, न जिनवाणी की सुनते हैं न गुरुवाणी की सुनते हैं। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा आ जाए या कुमकुम आचार्य भगवान उतर के आ जाए तो भी अपन लोग मानने वाले। तो जो पूजन हमारे रोग शोक भय व्याधियों को दूर करने वाली है, जो गुरुओं की भैया वृत्ति यानी दान हमारी शाता वेदनी कर्म को लाने वाला है, हम क्यों उसे दूर भाग। और यही कारण है हमने जो समय का चिंतन किया है, लगभग 50 वर्षों के बाद जो हमारी पूजा पद्धतियों में ज्यादा परिवर्तन कर दिया, सब पाप पाप मान करके हटा दिया, कुछ नहीं बचा, उसका फल ये है कि आपने दान और पूजा की बची हुई द्रव्य को केवल विषय भोगों की वृद्धि में उसका उपयोग किया, बर्बाद कर। सब बीमार हो रहे, लेकिन ध्यान रखना एक ना एक बार वही मैना सुंदरी जैसा आपको करना पड़ेगा। एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन कर हती हर जीवन में, फिर लगे निरखे दिगंबर निर्ग्रंथ ज्ञानी, फल पायो मैना। उसने अपनी पीड़ा को निवेदन किया और मुनिराज ने उसके कष्ट के निवारण के लिए सिद्ध चक्र का विधान करने का उपयोग किया। हम दान और पूजा की प्रवृत्ति से दूर हटते चले जा रहे, पुण्य कमाने के साधन से बहुत दूर चले जा रहे, पाप कमाने के लिए कोई गिनती नहीं। पाप करते हैं तो बेशुमार करते हैं, गिन गिन कर नाम लेते हैं परवरदिगार का। थोड़ा सा पुण्य करेंगे दुनिया भर को गिनाएंगे, दुनिया भर को जताएंगे, नाम ऐलान हो फलाना हो खूब छापो फलाना हो, और इतना जीवन में पाप करते हैं ऐसा लगता किसी को पता ना लग जाए। पुण्य भी वैसे ही करना चाहिए। ए, कैसे? दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, उसको कहते हैं दान। हम ढोल पीटते हैं, एक दो तीन करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, इसलिए हम लोगों की आत्मिक तरक्की नहीं हो रही है। बाहर तरक्की तो भैया पंचलोग करते हैं, आपकी फोटो छापते हैं, माला डालते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि तो द्रव्य पुण्य तो काम कर रहा है, लेकिन जो भाव पुण्य होना चाहिए वो अपन से अरत पूजन तत्परता वाल वृद्ध को वैयावृत करण, ये तीव्र साता भेदी कर्म के आश्रय को लाने में बड़े कृतमित हैं। भीम ने पूर्व जन्मों में दिगंबर साधुओं की जो वैयावृत्ति की थी, इसलिए वज्रषभ नारद सेनन के साथ भी कुछ विशिष्ट बल और भी उसे अर्थ प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने पूर्व जन्मों में क्या दिगंबर मुनिराजों की वैयावृत्ति की, इसलिए वह तुरंग बली बन गए, जिनके जन्म से क्या हुआ चमत्कार हो गया, ऊपर से गिरे और शिला चूर चूर हो गई, उनको कुछ नहीं हुआ। आज आप ऊपर से गिरने की बात छोड़ दीजिए, फर्श पर सक जाते हो, हाथ पांव टूट जाते, कहाँ है आपके पास सहन, कहाँ है आपके पास कुछ, आपने वो नौ कर्म ग्रहण ही नहीं किया जिससे वज्रषभ नारद सहन, जिससे हमारे अंदर उत्सर्ग और परिश्रम को सहन करने की क्षमता पैदा होती है, अशाता वेदनी कर्म के उदय को सहन करने की क्षमता पैदा होती है। वो कैसे होगी? पंच परमेश्वर की पूजन से होगी, उनके प्रति दान आदि भैया भाव से होगी। इतना अच्छा और कोई चीज संसार में और क्या कर सकते हैं भैया, हम तो पूज्यपाद आचार्य भगवान की बात बता रहे, हमारी तो है। आगे चलते हैं,
आज भेदनीय कर्म के बाद मोहिनीय कर्म की बात हमें करनी है। और मोहिनी के आचार्य भगवंतों ने दो भेद किए हैं, दर्शन मोहिनी और क्षारक मोहिनी। दर्शन मोहिनी का दूसरा नाम मिथ्यात्व है और क्षारक मोहिनी का दूसरा नाम प्रसाद। ये दर्शन मोहिनी हमें अच्छा नहीं बनने देती और क्षारक मोहिनी हमें अच्छा नहीं करने देती। बस ये दो बातें, दर्शन मोहिनी अतत्व श्रद्धा, तत्वों के प्रति अरुचि, बस दर्शन मोहिनी। कैसे करती, कैसा उसका स्वभाव, मिश्री का खुला हुआ मीठा दूध पितृजर वाले को पिलाते हैं तो कैसा लगता है, सभी कहते दूध कड़वा है। भैया वही दूध जब स्वस्थ व्यक्ति कहता है तो चेहरे प्रसन्नता आती है। दूध कड़वा कहने वाला, बस इतनी सी बात, कड़वा किसमें है, उसकी जुबा में, उसकी लार में, उसके मुंह में कड़वा। दूध तो बिल्कुल मीठा है, अच्छा है, लेकिन मुंह की लार के कड़वेपन के कारण वह दूध कड़वा लगता है, तो हम कहते दूध कड़वा। सोचिए उसी प्रकार से हमारी ये विषया शक्तियों का जो संस्कार अनादि काल से पड़ा हुआ है, इसके कारण हमारा धर्म के प्रति अरुचि पैदा होती है, धर्म अच्छा नहीं लगता है। आचार्य कहते हैं सर्प दशो जब जानिए रुचकर नीम चबाए, कर्म दशो जब जानिए जिनवाणी न सो। सर्प जो है डस लेता है जिस किसी को, तो कड़वी नीम भी, नीम की पत्तियां भी ऐसे खाता है जैसे गन्ने को चूस रहा। ऐसे ही इच्छादर्शी जीवात्माएं, उन्हें अच्छी बात कभी अच्छी नहीं लगती। अच्छाई से बुराई रखना बैर है, अच्छाई से बुराई रखना बैर है, बुराई से बुराई रखना। लेकिन हम लोग बुराइयों से मैत्री किए हुए हैं, अच्छाइयों से, यही हमारे संसार का कारण। तो वह मिथ्या दर्शन, जिसे दर्शन मोहिनी कहती है, मिथ्या तो कहते हैं, उसका नौ कर्म क्या है, वो तो कैसे आता है, कौन लाता है, उसके बारे में जो सूत्र मां स्वामी आचार्य ने बनाया है, पूज्यपाद आचार्य भगवान ने उसकी टीका की है, हम तो वो बात आपको बता। केवल ईश्वर संग धर्म देवावरण बाधो दर्शन मोहस्य, केवल भगवान के स्वरूप का वर्ण बाध करना, श्रुत के स्वरूप का वर्णवाद करना, संघ के स्वरूप का वर्णवाद करना, धर्म के स्वरूप का वर्णवाद करना और चारों निकाय के देवों का वर्णवाद करना, इसी दर्शन मोहिनी कर्म का अवर्णवाद की नियामक तरीके नहीं है, रूप नए बदलते, ये भी ध्यान रखना। व्यक्ति अपने स्वार्थ से भगवान का स्वरूप बदल देता है, यही तो उनका वन बात है। हमें क्या अधिकार है स्वरूप को बदलने, हमें अधिकार किसने दिया, केवली राशाहारी है, कितने अवर्णवाद उस केवली भगवान के लोगों ने किए अपने स्वार्थ के पीछे, स्वयं जो है
अच्छा खाना पीना मिलता रहे। तो देव जी भगवान कमलाहार करते हैं और देवली भगवान को रोग भी हो जाता है या अन्य अन्य प्रकार से किसी को ही केवली घोषित कर देना, सवस्त्र को कर देना, ये सब उस देवली की उस भगवान की उस स्वरूप की अवस्था, भगवान के समोसरण की रचना का स्वरूप बदल देना, भगवान के वैभव का परिकर का स्वरूप बदल देना, ये सब उसके अवरणवाद है। ये मत सोचो कि वही अवरणवाद है, किसी के परिकर को हटाना भी अवरणवाद है। ये सब हमारे जीवन में अवरणवाद का, केवली भगवान का अवरणवाद चल रहा है। वर्तमान में भी आज साक्षात अनंत नहीं है, केवली नहीं है, लेकिन उनके जो प्रतिरूप है, समोषण के प्रतिरूप है, उनकी सामग्री को अलग करना, ये भी केवली का वर्णवाद है। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर खणावली होती है, कुछ लोग कहते ये नहीं होना चाहिए, खण वाली प्रतिमा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हमने तो बनाई नहीं, आप जाकर के देखिए, जितनी पुरानी प्राचीन है, 2000 वर्ष पुरानी कंकाली की देवी मिली हुई प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली प्रतिमाएं 7वीं शताब्दी में बादामी की गुफाओं में बनी हुई प्रतिमाएं, क्या फणी फण वाली है, पूरी परिकर सहित हैं। आज हम उस प्रतिमा का, अरहंत के स्वरूप का, देवी का स्वरूप बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे? किसने अधिकार दिया है? लेकिन लोगों के मन में उस स्वरूप के प्रति की फण वाली प्रतिमा पूज नहीं है, क्योंकि उसमें फण है, उसमें ऐसे अभिषेक करते हो, फण का अभिषेक हो जाता है, ये मिथ्या, तो ऐसे उपदेश हो रहे हैं। अरे भैया, जब आप बिना फण वाली भी मूर्ति का अभिषेक करोगे तो नीचे भी भगवान के चरणों में फण का चिन्ह बना हुआ है, तो अभिषेक तो वहां से घूम करके उस पर भी गिरेगा। केवल फण वाली क्या, और भी बिना फण वाली जितनी भगवान की मूर्तियां हैं जिसमें चिथनों की लांछन है, वो सारा गंधोदक उस लांछन से होकर के ही नीचे आता है, उस परिकर से होकर के ही नीचे आता है। अब आप उसको अवंदनीय मानने लगे, अपूज्य मानने लगे, यही उनका अवस्था। केवली का अवस्था और सुत का अवर्णवाद शास्त्रों में मांस भक्षण आदि को निर्दोष लिखा है। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों को बदल और इतना बदल रहे हैं कि महान महान आचार्यों के वचनों को एक ही बात कह दी, 6वीं शताब्दी के बाद ग्रंथों का अप्रमाणिकता घोषित करना शुरू कर दी है। क्या होगा आपके पास, क्या बचेगा भैया? कुछ नहीं बचने वाला। अरे पूज्यपाद आचार्य जैसे 6वीं शताब्दी में होने वाले आचार्यों की वचनों को प्रमाण मान लीजिए, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको जब समाधान नहीं है, तो संसार में कोई समाधान आपको नहीं। जो आज वर्तमान में स्थिति मौजूद हो रही है सुक्ति अवर्णवाद की, के जैन आचार्यों ने अन्य धर्मों की बातों को लेकर के ग्रंथों में मिला दिया, ये बात श्वेतांबर से आ गई, ये हिंदुओं से आ गई, वैष्णव से आ गई, उधर से क्रिया कांड वहां से आ गया। तो भैया तुम्हारे घर में क्या था? ये अंग
कहाँ से आए, अंगपुर में क्या क्या लिखा हुआ है, ये भी तो देखिए। तब ये क्यों नहीं कहते हैं कि संसार के लोगों ने यहां से ले जा करके अपने धर्म को अलग अलग बना लिया, ये नहीं कहते। ये कहते जैनों ने चुरा करके, जैन आचार्यों ने वहां से, वैष्णवों के लाए, हिंदुओं के लाए, और ये सब बना दिया। भैया क्यों आज सुरतावन बात कर रहे? हमारी मान्यता, हमारी धारणा अपने अपने लिए है, लेकिन आगम आस्था का विषय है, सिर्फ आस्था का विषय है। आपको अवनवाद करने का अधिकार किसने दिया, ये तो बताओ। तो आपने या तो इतनी गहराई से अध्ययन किया हो तब मान सकते हैं कि हाँ आपने कहा ये गलत। हमने तो ये 35 वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने वर्तमान युग की समीक्षा लिखी और उसने सब कह दिया है वर्तमान युग तो कपोल कल्पित। अरे भाई, तू द्वादशांग के अंग को, जो दृष्टि बाधांग है, 12वां अंग, उसके 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, वर्तमान योग, पूर्व और चूलिका। वर्तमान योग एक द्वादशांग का अंग है और उसका कितना विस्तार आचार्य भगवंतों ने बताया, हम उसको भूल गए। वर्तमान योग को आगम ही नहीं मानते। जब जो लोग वर्तमान योग को आगम नहीं मानते, वो तो एक अंग को ही नाश कर रहे हैं। वो अच्छी तरह से चिंतन करते हैं, आज नहीं तो कल इसकी सबको जरूरत होगी। हम श्रुत का अवनवाद ना करें, श्रुत का संरक्षण करें। अरे अपने विषय कषायों पर लगाम लगाएं तो वो धर्म की बात समझ में आई। तो विषय कषायों को भोगते हुए धर्म की बात सुनने का, समझने का कहां से तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर बुद्धि आएगी? अमृत चंद सूरी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखे हैं, धर्म से इतना सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी। जो अमृत चंद सूरी को मानते हैं, बड़ी बड़ी आत्मख्याति समय सार की टीकाएं पढ़ते हैं, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी तो पढ़ लें, उनका श्राद्धाचार पढ़ लें, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करें, क्या बताएं लोगों को अपने अपने स्वार्थ की पड़ी। तो सीधा सा गणित है कि सुप्त का अवनवाद यदि नहीं समझ में आता है, जन्मानी माँ से दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो, भगवान हम आपकी वाणी को समझ में समर्थ नहीं है, कि विषय के साथ गाली होगी, कहाँ से आपकी बात को समझ सकती है? तो बात समझ में आएगी, लेकिन ये आगम में नहीं है, ये आगम नहीं है, ये आगम नहीं है, ऐसा कह करके पूरा अनियोग कक्षा को स्वाहा कर दिया। भैया बड़ी बात तब आती है, एक बात विशेष बता दें, महाराज जी वही भी आचार्य भगवान का नाम लेते हैं, वही भी गाथा बताते हैं, वही भी सूत्र बताते हैं, उसमें तो वो मना बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं बिल्कुल। एक बात ध्यान रखना, चारों अनियोग अपनी व्यवस्था से चलते हैं, चारों अनियोगों की अनुभूतियां अपनी अपनी हैं। जब चरणानियोग की बात चलती है तो चरणानियोग ही बताना चाहिए। अब चरणानियोग में करणानियोग डालोगे तो वही जो है प्रमाण तो आप दे रहे हो, लेकिन वह चरणानियोग में करणानियोग गुण स्थान की चर्चा नहीं है। रत्न ग्रंथ शाताचार में गुरु महाराज का स्वरूप बताते हुए क्या बताया, विषयासावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान अध्ययन तपो रक्त तपस्वी सापशच। बताइए आप कहां उसमें गुणस्थान दिया है? मेरी भावना में पढ़ते विषयों की आशा नहीं जनके, काम भाव धन रखते हैं ये पर के हित साधन में, निश देने तत पर रहते स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना के जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साध जगत के सुख समूह को हरते। कहां इसमें गुरुस्तान की चर्चा है? पूरा आप उठा करके देख लीजिए चरणानियो श्राप का चार, कहीं गुरुस्तान की चर्चा नहीं।
लेकिन उसमें ला करके गुणस्थान डाल देना, द्रव्य भाव की पैदा कर देना, लोगों को बता देना देखो ये ऐसा है, ये सब द्रव्य भी है, यही तो विसंगतियां उत्पन्न हो रही। और जहां करना नियोग है वहां चरना नियोग लगाना, देखो ये ऐसा कर रहे ना वैसा कर रहे ना, ऐसा होगा ना वैसा होगा। और जहां द्रव्यान योग है, अरे भाई द्रव्यान योग में तो जयसेन महाराज ने दिया कि यदि आप गुणस्थान मारना जीव समास की चर्चा करते हो तो मिथ्या दृष्टि हो भी कथा है। वो गुणस्थान मारना की चर्चा करना भी कथा की कैटेगरी में डाल दिया। हम और आप क्या समझते, समय सार तो आत्मा की बात भी नहीं कहता है, समय सार तो ज्ञायक टंकोत के लिए ज्ञायक स्वभाव की बात कहता है। लोग सारे जिंदगी भर हो गए समय सार पढ़ते पढ़ते, समय सार में आत्मा की बात है ही नहीं। आत्मा के अंदर जो स्वरूप है वो ज्ञायक भाव उसकी बात, लेकिन हम लोग भटके हुए भगवान हैं, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। तो प्रथमान योग जो है हमारे अंग और पूर्वों का हिस्सा है, यदि हम प्रथमान योग को छोड़ देते हैं तो हमारे पास कभी कुछ बचेगा ही। सुमन भद्राचार्य जैसे महान आचार्य ने सम्यक ज्ञान दिया, चरणानियोग की अपेक्षा उस ज्ञान को चार अनियोग में बांट दिया। चरणानियोग की अपेक्षा ध्यान रखना, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। चरणान योग की व्याख्या सम्यक ज्ञान चार प्रकार का है, और प्रथमान योग की व्याख्या जबकि प्रथमान योग ध्यानम चरतम प्राणम पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधासन, कितना महत्व उस प्रथमान योग का गाया है समन्त भद्राचार्य ने। हम प्रथमान योग का अपमान नहीं कर रहे, हम समन्त भद्राचार्य का अपमान कर रहे, ध्यान रखना। जिनवाणी का द्वादशांग वाणी का अपमान कर रहे अपने, ये अवर्णवाद है, शुद्ध का अवर्णवाद नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। लेकिन जिनवाणी का अवर्णवाद करने का अधिकार आपको दिया ही नहीं। हम तो बार बार कह रहे कि जब सुनने का अधिकारी अष्टमूलधारी है, शासन को बांचने का और पठन पाठन करने का तो महावृत्ति ही अधिकारी है, लेकिन ये महा अवृत्ति लोग इस शासन की गद्दी पर बैठ करके यदवा तदवा मनमाना खूब टीवी पर प्रचार कर रहे, लोग सुन रहे, हाँ बहुत अच्छी बात बता रहे, बहुत अच्छी बात, या अच्छी बात तो अपनी आंखों से पढ़ो। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहते हैं भैया मूल ग्रंथों से स्वाध्याय करना सीखो, आपको उसमें प्रमाण मिले तो स्वीकार करो, हमारी बात से क्यों, हमारी बात तो तुम हमारे घर कहोगे कि महाराज तो राग द्वेष करते हैं। आप अपने आंखों से जिस दिन पढ़ लोगे सारी दुनिया खिलाफ आपकी होगी, लेकिन आप आगम के खिलाफ नहीं होगे। और जिस दिन आप अपने जब तक ये सुनते इधर की उधर की सब कचरा इकट्ठे करते रहोगे, आप और हम सब भटकते ही रहे। तो श्रुत का वर्णवाद केवली श्रुत संघ चतुर्थ संघ का अवर्णवाद, प्राचीन काल में जो अवर्णवाद की जो परिभाषा दी, साधु सूत्र हैं असुचि हैं ऐसा उनके स्वरूप का अपलाप कर, इसका मतलब प्राचीन काल में अनादि काल से दिगंबर दीक्षा सूत्र को नहीं दी जाती थी। प्रवचन सार में चारचू के अधिकार में बन्ने सु तीसु एक को तीन वर्णों में से एक वर्ण वाला मुनि महाराज बन सकता है, ऐसा प्रवचन सार में कुन कुन आचार्य भगवान ने लिखा है। देश कुल जाए सुधा ये आचार्य भक्ति का सूत्र है, और उन्होंने कहा देश कुल और जाति से शुद्ध होने वाला ही आचार्यत्व को धारण करता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान का नियम है कि देश का प्रथम नागरिक कौन हो सकता है, भारत का मूल निवासी हो, कोरी और दिवालिया ना हो, और भी अन्य बातें, उस पर कोई आपराधिक केस ना हो, ऐसा निर्दोष व्यक्ति ही हमारे देश का प्रथम नागरिक हो सकता है। उसकी ये अर्थता है कि
ये शर्त है, तो ये चतुर्विध संघ का नायक कैसा होना चाहिए और उस नायक के नेतृत्व में उसके नागरिक कैसे होना चाहिए। तो नागरिक यानी नेतृत्व यानी आचार्य और नागरिक यानी साधुगण। तो शूद्र को कभी दीक्षा नहीं दी जाती थी दिगंबर दीक्षा, लेकिन कई धर्म वालों ने उन्हें साधु बना करके और उसका अपमान नहीं है शूद्र का, लेकिन ये परमेश्वरी का इतना परम पूज पद त्रिलोक पद हर व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जा सकता। जैसे देश का नेतृत्व हर व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जा सकता, ऐसे ही चतुर्विध संघ का नेतृत्व साधुत्व हर व्यक्ति ऊपर नहीं है। तो चतुर्विध संघ का आविर्भाव बहुत कुछ हो रहा। अब तो संघवाद तो पंथवाद की चरम सीमा पर चल रहा है कसाय, लेकिन भविष्य व्यक्ति के लिए ही नुकसानदायक, उससे धर्म का कोई नुकसान नहीं होने वाला। धर्म तो अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है। धर्म तो दुनिया को सारे संसार के जीवों को शुद्ध करने के लिए है, लेकिन लोग धर्म को शुद्ध कर, धर्म तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए थी, तो धर्म से आत्मा तो शुद्ध की नहीं, धर्म को शुद्ध करने लगे। ये अशुद्ध है, वो अशुद्ध है, साहब सारी क्रिया जो धर्म की आत्मा को शुद्ध करने वाली थी वो सब निकाल कर। कुछ लोगों को धर्म ही समझ में नहीं आ रहा। अभी बताया था चार अनियोग, कार्तिकेय प्रेक्षा कारण कार्तिकेय रुद्राक्षर ग्रंथ में लिखा है, बत्थु स्वभाव धम्मो हमारी भावो ये दैवियो धम्मो रैणक्यम च धम्मो जीवादि रक्षणो धम्मो। तो धर्म चार प्रकार का हो गया, नहीं बल्कि बत्थु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये द्रव्यानियोग का धर्म है। हमारी भावो ये दैवियो धम्मो, हमारे 10 भाव धर्म है, एक कर्णानियों का धर्म है। रणक्यम जगम्मो रत्नात्रय धर्म है, शरणानियों का धर्म है। जीवादी रक्षणो धम्मो, जीवादी का रक्षण करना, ये प्रथमानी का धर्म। चार प्रकार का नहीं है, ये पात्रों की अपेक्षा धर्म की व्याख्या है, क्योंकि तो हमेशा पात्रों की अपेक्षा ही और धर्म का उपदेश होता है, गुणगुना होती है। ऐसा हमारे आचार्य भगवान हमारे बताते आए हैं। तो केवली का, सुत का, संघ का, धर्म का, जो हम धर्म का अनुवाद कर रहे हैं, धर्म आचरण की विधि है, अपनी सुविधा के अनुसार जिस पुण्य जिस क्रिया से हमारा पुण्य का विवर्धन होता है उस क्रिया को पाप मान करके छोड़ रहे हैं, क्या बचेगा। और चार निकाय के देवों का अनुवाद करना, देवता का मांस मदरा नहीं पीती, लेकिन स्वार्थी लोग थोड़ा सा भोग लगा कर सब शरीर खा जाते और वर्तमान में क्या अनुवाद हो रहा है। देव कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो तो अपने पापों से होता है। देव से तो ऐसा क्यों नहीं हो गया, देव जब वो कहाँ चले गए, देव कहाँ चले गए, तब अपने से होता है। ध्यान रखना, उमा स्वामी आचार्य भगवान कह रहे हैं, स्थिति प्रभाव का देवों में प्रभाव नाम की शक्ति होती है, श्राप और अनुभव करने की शक्ति होती है, ये जो प्रभाव है उनका। ये प्रथमान योग पढ़ते तो वो जो अभी बताया था प्रारंभ में, तो उस जीव ने संकल्प किया मित्रों ने कि भैया मैं कहीं भटक जाऊं तू आ जाना मुझे संबोधन कर, वही तो उपकार करते हैं और बैरी बन जाते हैं, नुकसान करते हैं। तो श्राप देने की शक्ति उनके अंदर है, अनुग्रह करने की शक्ति उनके अंदर है। अरे नरकों में जाकर उन जीवों को संबोधन करके उत्पन्न करा देते हैं, फिर उनको मिथ्या दृष्टि देना, उनको गालियां देना, ये सब तत्काल में अच्छा लगा है सुनने वालों को भी सुनाने वालों को भी। लेकिन जब भविष्य में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है, तब कहीं चमत्कार की आशा रखता है,
भगवान कोई आप ऐसा चमत्कार दिखा दे, भगवान तो चमत्कार कभी दिखाते नहीं है। जो भी चमत्कार होता है, जो भी अक्षय होता है, 14 देव प्रत्यय होते हैं, भगवान थोड़ी होते, भगवान तो वीतराग, लेकिन वो चतुर्निकाय के देव भगवान का अक्षय करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि अपने जीवन में केवड़ी श्रोत संग धर्म और 4 निकाय के देवों का अवर्वाद नहीं करना। यदि हम अवर्वाद करते हैं तो नियम से दर्शन मुनि यानी विख्यात को उपासन करते हैं। किसी को भी प्रश्न करना हो वो अपना हाथ पकड़ कर नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, लॉकडाउन के समय में दान कैसे करें और किसका करें, किस चीज का करें? जब लॉकडाउन नहीं था तब क्या कर रही थी? लॉकडाउन का इंतजार कर रही थी? नहीं महाराज जी, अब कैसे, किस चीज, आप तो घर में बैठे हैं, कहीं जा रहे नहीं है, मंदिर तीर्थ स्थान वगैरह कहीं नहीं जा रहे। हाँ, तो जहाँ गुरु लोग हैं, जहाँ कोई परेशानी में है, वहाँ जो है आजकल कोरियर सर्विस है और भी चीजें हैं उनके। हाँ, आप बता सकते हैं उनके संयम के अनुकूल, साधना के अनुकूल साधन, आपके पास बहुत साधन है। और महाराज जी, गुरुवर तेरे दर पे होती अमृत की वर्षा, दिल मेरा कहता है तुझ में रब का रूप मिला, दूर हो गए दुखड़े मेरे, मिल गई ठंडी छां, जन्नत का दीदार हो गया मेरे शहनशाह, की जब से दरस मिला। हेलो, हाँ महाराज जी, जंग चारण मुनि हाँ, यानी क्या जंग? हाँ, जंग चारण मुनि कुछ आया है। जंग चारण जो है, हाँ, अब जब जो अपना उड़ते हैं आकाश में, जंगों को स्पर्श करके तुरंत ऊपर हो जाते हैं, जंगाओं के स्पर्श कर से जो है, जैसे कोई रिमोट होता ना एक विशेष स्थान पर, जंगाओं के बल से वो ऊपर से स्पर्श किया और आकाश में चलने लगते, जंगाचरण कहलाते। ठीक है, नमोस्तु गुरुवर। रत्नांतर से सुशोभित गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरु का हर शब्द मंत्र होता है और तंत्र होता है। यही मंत्र और तंत्र हम संसारी प्राणी को भव सागर से तीर जाने में निमित्त कारण बनता है क्या? रसायन शास्त्र है जो हमारी मन की वर्गनाओं को बदलता है। जैसे पारस पत्थर के संपर्क में शुद्ध लोहे का टुकड़ा आने से उसमें रासायनिक परिवर्तन हो करके स्वर्ण भाव आ जाता है, ऐसे ही हम सबका मन जब गुरुओं के सानिध्य में आता है तो रासायनिक परिवर्तन हो करके तंत्र विज्ञान का काम हो जाता है।
और मंत्र जो है गणित शास्त्र है। गुरु वाक्य जो है मंत्र के समान होते हैं, जैसे दो और दो चार होते हैं, ऐसी अकाट श्रद्धा गुरु वचनों पर हो जाए, जैसे गणित पर हमारी श्रद्धा होती है कि इतने इतने मिलकर के इतनी संख्या होती है, ऐसे ही गुरुओं के वचनों पर, जनवाणी के वचनों पर हमारी श्रद्धा हो जाए तो वो मंत्र का काम कर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु त्रिकाल, नमोस्तु। प्रशांत डोटिया मुंबई से। महाराज जी ये शरीर क्या है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शरीरा जो क्षीण होता है, गलत है, वो शरीर कहलाता है। थोड़ा सा डिटेल में, जो सड़ता है, गलता है, गणना जिसका स्वभाव से शरीर कहते हैं, ठीक है। नमोस्तु 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 नमोस्तु। हाँ जा सोना। हाँ नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। आगे तो बोलो महाराज जी, कौन से पुण्य से महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे हमें? अच्छा, तो हमारे दर्शन करने के लिए आपको पुण्य भी बताएं कि इस पुण्य से आप आ जाओ। हाँ महाराज जी, बहन जी ये पैसा रुपये पुण्य है ना, वो आपको दर्शन करा देगा। वैशाली जी बोलिए। हाँ नमस्ते गुरुवर, हम गुरु को कोई प्रश्न पूछते हैं और गुरु ने उस प्रश्न को अच्छा कहा तो ये हमारा पुरुषार्थ है या भाग्य है? गुरु से प्रश्न पूछते हैं। हाँ, और गुरु ने उस प्रश्न को अच्छा कहा, हाँ, तो ये हमारा पुरुषार्थ है या भाग्य है? पुरुषार्थ और भाग्य दोनों ही एक साथ चलते हैं। सम्यक पुरुषार्थ हो तो भाग्य खुलता है, और भाग्य अच्छा हो तो पुरुषार्थ भी अच्छा होता है। नमस्ते गुरुवर। चलिए आज और एक प्रश्न पूछना है, एक लास्ट का प्रश्न पूछना है। सुनील सागर जी महाराज का प्रवचन ऑलरेडी चालू हो चुका है, ऑनलाइन इस वजह से माफ कीजिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। जय बोलो परम पूज्य। उस समय में जो अरिंद गुरु विशिष्ट है, उस समय उसने आत्मा का ध्यान किया, उसमें साथ ही तत्व चिंतन जो करता है या प्रस्तुति में उसकी विशुद्धि बढ़ती है, तो उसमें दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे जो समय में विशुद्धि अरिंद गुरु बनी, तो क्या चिंतन किया होगा विशेष? रशन जी जयकर आपके। जय बोलो चतुर्पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी। नमोस्तु। ज्ञान में हो ज्ञान हो ज्ञान के देना, और इस वाले को चला देना, मतलब सर्व के हो प्रभु सर्वदर्शी, त्रय जगत के तीर्थ है महावीर जिनवर, वंदना सतवार
तीर्थ से हे महावीर चिन्नर वंदनम सत बार गो आचार्य वारी सिंधु गुरुवर अंकनीत महानुतम आचार्य श्री महावीर की ज्ञान गुण के खांस सूरी तपस्वी त्याग मूर्ति तको गुण के काम है आचार्य सन्मति गुरु पदों में बार बार प्रणाम आचार्य सन्मति गुरु पदों में बार बार प्रणाम जय कार आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादि देव महादेव आदिनाथ भगवान की वर्तमान जिन शासन है वर्तमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर की महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की श्री सम्राट द्वारा दस सुमति कायाई पर दबे निर्भागं परिहरतु अपानं तस्य हवेतं सत्यं जोचाये दिव्यतेनम् नियम सार की 121 नंबर की गाथा में आचार्य देवकुंद स्वामी संबोधित करते कि काय आदि सब पदार्थों से बुद्धि हटा करके जो आत्मा में नहीं स्थिर भाव करता है उसे कायो स्वर्ग होता है। निर्विकल्प रूप से जो अपने आत्मा स्वरूप में जुड़ जाता है उसे ही तनु स्वर्ग या कायो स्वर्ग नाम का गुण पाया जाता है। अब समझने की बात यह है बाहर से तो हटना है और भीतर में जुड़ना है। बाहर से जुड़ेगा तो कायु स्वर्ग नहीं होगा, भीतर से जुड़ेगा तो सच्चा कायु स्वर्ग होगा। यूं खड़े होने के लिए तो पेड़ भी बरसों बरस से खड़े हैं लेकिन उनका कायु स्वर्ग है। एक बहुत महान शब्द है जिनवाणी का कायु स्वर्ग, और ये शब्द प्राय करके आपको मिलेगा तो जैन शास्त्रों में अक्सर कर मिलेगा और कहीं मिलना मुश्किल, और कहीं मिलेगा भी ना तो उसका अर्थ कुछ और ही हो जाएगा जो लोक में प्रसिद्ध है। कायो स्वर्ग तो संस्कृत के पंडित इसका अर्थ कर देंगे काय का त्याग करना। काय उत्सर्ग, सर्ग मतलब त्याग करना, उन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया मतलब प्राण देश के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले वीरों की जरूरत है। ठीक, और यहाँ पर मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण के लिए कायोत्सर्ग करने वालों की जरूरत है। अब कायोत्सर्ग का मतलब है वहां जैसे प्राण छोड़ दिए यहाँ शरीर छोड़ने की बात नहीं है, नहीं तो दिन भर में 28 कृति कर्म में 28 कायोत्सर्ग होते हैं तो 28 बार मरना पड़ेगा क्या? तो पहले तो शब्द को समझे, काय मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब त्याग, शरीर त्याग, शरीर त्याग इतना करके छोड़ देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब है शरीर से ममत्व का वही यहाँ कहा है काय आदि पर द्रव्य, काय आदि तो पर द्रव्य है, शरीर की जो संरचना है ये मेंटल की रचना है, पुद्गल की रचना है, पंचभूत से बना है शरीर। निगमगर मुनियों की जो मान्यता है वो यही है कि शरीर की रचना तो उद्गत से हुई है, इसमें अग्नि का तत्व भी है, इसमें वायु भी है, इसमें जल भी है, इसमें वनस्पति के भी अंश हैं और इसमें आकाश भी, पंचभूत से वैदिक मान्यता है कि पंचभूत पे बना शरीर आ, और इस टाइप की मान्यता वाले अलग से आत्मा की कल्पना नहीं कर पाते। जबकि महावीर स्वामी ने कहा ये बात तो सही है कि चतुर्भूत या पंचभूत से शरीर की रचना हुई है,
लेकिन इसके आगे एक बार और समझ लो कि इस शरीर की रचना होते ही आत्मा आपको आप इसमें पैदा नहीं हो गया, अपितु आत्मा नाम का एक स्वतंत्र ब्रह्म है जिसने अर्जन किया था जैसा वैसा उसे शरीर मिला, जैसा कर्म का आश्रय बंद किया था वैसा उसे सुख दुख मिला, जैसे उसने संस्कार अपनी आत्मा में लाए थे वैसे उसे माता पिता मिले, वैसे उसे दुबला पतला शरीर मिला, वैसे उसे मोटा काजल शरीर मिला, वैसे सुंदर असुंदर शरीर उसके अपने संस्कार अपनी विचार धारणाओं का फल है, कर्मों का फल है। इसलिए काय का मतलब देह शरीर तन और उत्सर का मतलब क्या आयु सर्ग। अब बहुत बार हम बोलते हैं सभी लोग कायु सर्ग करिए, अगर युद्ध के मैदान में कोई बोले संस्कृत निष्ठ मंत्री सेनापति की कायु सर्ग करने के लिए तैयार हो जाए तो मतलब क्या होगा, लड़ भिड़ करके और मरने मराने की बात है। लेकिन वो बात वो लौकिक अर्थ है, जिन शास्त्रों में इसका बहुत महान अर्थ किया है कि काय में रह करके भी काय से ममत्व का त्याग कर देने का मतलब है, ऐसा होता भी है जब पहचान जाते हैं। देखो अपना ही बेटा अगर बहुत ज्यादा बेईमानी बदमाशी करने लग जाए तो क्या करते हैं, फिर पहले दो चार बार समझाते हैं मत कर मत, और फिर ज्यादा ही करने लग जाए और जगह जगह की शिकायतें आने लग जाए तो फिर क्या करते हैं, शिकायत करने वालों को कहते भाई ये ऐसा समझो कि वो हमारा लड़का है ही नहीं, बोलने वाले भी कहते कि भाई लड़का तो आपका ही है पर आप उनको समझाते कि भाई आप हमको तो जानते हो कि हम ऐसे नहीं है और वो ऐसा है ऐसे ही समझो कि वो हमारा पड़ोसी भी कहता है चलो आपकी आप जो कहते हो तो आप उसने ले लिए हमसे हजार रुपए उधार और खा लिए तो आप नहीं देना चाहते और ऐसा बोलते हो तो ठीक है, फिर उसके बाद और अति हो जाती है तो अखबार में भी निकाल देते हैं हैं अमुक अमुक नाम का है लड़का तो हमारा है लेकिन अब उससे हमारा कोई संबंध नहीं है इसलिए उसे कोई उधार ना देवे, उसे अगर कोई कुछ देता देता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होता है कि नहीं होता है। लगभग इसी टाइप की व्यवस्था है कायु सर्ग में कि जब ज्ञानी ने पहचान लिया कि मैं तो आत्मरत हूं चैतन्य तत्व हूं मेरी अंतरंग प्रवृत्ति मुझ में है सुव्यवस्थित है देह आदि मेरे नहीं है, फिर देह कुछ करता है तो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है और अवसर अवसर पर देह के ममत्व का क्या करता है, मैं देह नहीं हूं मैं क्या हम चैतन्य, ऐसी जो सहज परिणति बनती है वो कायोसर्ग। कायोसर्ग में 27 बार ओंकार मंत्र पढ़ना, 9 बार ओंकार मंत्र पढ़ना, 9 बार ओंकार मंत्र को 27 श्वास में पढ़ना, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं। विमल भक्ति का स्वागत है करेंगे आप कोई पाठ पढ़ेंगे उसमें कायोत्सर्ग की बात आएगी, दंडक की बात आएगी तो वहां लिखा रहेगा 27 श्वास में 9 बार ओंकार मंत्र का जाप करें, 27 श्वास में। फिर इसका विश्लेषण कनाडा में भी किया है, मूलाचार में भी किया है, नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो सांस लेते समय नमो अरिहंताणम, सांस छोड़ते समय नमो सिखाणम, फिर लेते समय नमो आयरण, छोड़ते समय नमो अच्छारण, फिर नमो दुबई, फिर छोड़ो तो सब हो जाओ। एक बार नमोकार मंत्र का कितने सांस लग गए, और अगर 9 बार पढ़ेंगे नमोकार तो वो भी ऐसा एक व्यवस्था बनाती कि कुछ नहीं करना बने तो ऐसे करो और अगर कुछ करते बनता है तो सीधा ये करो कि देह आदि परब्रह्मियों से विरक्त में शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, देह आदि में मेरा कोई ममत्व नहीं, इस प्रकार के ध्यान में लीन हो जाओ, ये सबसे बढ़िया कार्य। मरने के बाद तो कायोत्सर्ग सत्ता होता है, मरने के बाद तो सत्ता शरीर छूटता ही छूटता है,
लेकिन जीते जी का अवसर करने की कला जिनवाणी में बताई है, शास्त्रों में बताई। और यूं आचार्य महाराज को भी हमने देखा, जब बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए, बहुत ज्यादा उपवास हो गए, चलने फिरने में दिक्कत होने लगी, चंपापुर चतुर्मास की बात है, उन्नीस सौ अंठानवे में चतुर्मास हुआ था, उन्होंने दस उपवास ग्यारह उपवास थे उस समय पर्युषण के, और आठवें उपवास में उनकी शरीर बहुत डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि पहले ही से उनकी दो उपवास एक आहार, दो उपवास एक उपवास एक आहार ऐसे चल ही रहा और लगातार, फिर तो फिर वो क्या करे, भोग निवेदन किया लोगों ने भगवान के शापों ने, लेकिन महाराज जी हम पूरे उपवास करेंगे, मौन और ले लिया। फिर उसके बाद उनको देखा कि अनुसहाय सवासन में कायोत्सर्ग मुद्रा में लेट जाते थे और एकदम देह से विरक्त अपने आत्मा तक कर लेते, जीते जी देह का त्याग कर रहे है। अन्य संप्रदायों में कुछ ऐसे साधक भी हुए हैं, होते हैं कि जो पर काया प्रवेश करते हैं, पर काया प्रवेश मतलब अपना शरीर छोड़ करके दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, आपको अपना दुबला पतला शरीर समझ लो पसंद नहीं, आप किसी मोटे ताजे शरीर में प्रवेश कर सकते। तो कुछ वैदिक सन्यासियों में, कुछ अघोरियों में इस तरह की सिद्धियां होती हैं, और मुनिराजों को ऐसी सिद्धियां हो भी जाएं तो भी उनको इसका कोई औचित्य मालूम पड़ता नहीं है, इसकी कीमत मालूम पड़ती नहीं है, क्योंकि वे सबसे ज्यादा कीमत समझते हैं अपने निज चैतन्य तत्व की निर्विकलता। तो ऐसा भी संभव हो सकता है, शंकराचार्य जी के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि उन्होंने अमुक मंडल मिश्र की शास्त्रार्थ के समय, उनकी धर्म पत्नी से शास्त्रार्थ करते समय पर काया प्रवेश किया था, अथवा किसी अन्य अवसर पर काया प्रवेश। अब इसलिए कहा है कि जीते जी शरीर को इधर से उधर करने की विधि तंत्र हो सकता है, वो तो एक तरह की अलग तरह की व्यवस्था हो गई, लेकिन इसी में रहते हुए इसी से अपने आप को पृथक समझने की कला, आत्मज्ञान की कला, आत्मस्थ हो जाने की कला सचमुच में आयोत्सर्ग ऐसे परम कायोत्सर्गवादीराज आत्मा की निरंतर नवीन नवीन शुद्ध शुद्ध आनंदात्मक पर्याय का हो करती। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में क्योंकि अपूर्व करण में ही अपूर्व अपूर्व परिणाम होने लगते हैं, अनिवृत्तिकरण में तो निवृत्ति ही नहीं होना है किसी परिणाम समान, तो अनिवृत्तिकरण परिणाम के मुनिराज उन सब परिणामों में जो भी मुनिराज स्थित है वे अनिवृत्तिकरण रूप अपूर्व आनंद का वर्णन करते हैं, अपूर्व शांति का वर्णन करते हैं, अपूर्व परिणाम होते हैं अपने तो पूर्व पूर्व परिणाम होते हैं, पूर्व पूर्व मतलब पहले वाले, और पहले वाले तो छोड़ो इतने पहले वाले होते हैं ना, और ऐसे पुराने पुराने अब हो चुका है, एक हफ्ते पहले किसी ने हमारा पेन ले लिया, अब हफ्ता भर बीत गया है, वो पेन उसके पास से भी समझ लो कि खो गया कि टूट गया कि खाली हो गया, फिर हम एक हफ्ता बीतने के बाद, एक साल बीतने के बाद, पिछले साल तुमने हमारा पेन लिया, हम जानते हैं तुम्हें अच्छी तरह से, अभी बताइए तो कितना मतलब कैसा खुदा परिणाम हो गया। ऐसे ही जब मैंने अपना घर छोड़ा था तब मेरे पास इतने रुपए थे और मैंने वो सब रुपए छोड़े, ये भी अपूर्व परिणाम नहीं हुआ है, पूर्व परिणाम हो गया, उल्टा ही हो रहा, तुमने रुपए कहाँ छोड़े, अभी तक 10 साल पहले छोड़ा घर और तुम्हें यहां भी याद है कि मैंने ऐसे रुपए छोड़े, जमीन छोड़ी, इतना छूटा कहा, आज वहां बुरा बन गया होगा,
कोई और आके रहने लगा होगा, कुछ और का और हो गया होगा, फिर भी पूरा मतलब देसी डस्टबिन समझने की बात है। तो इसीलिए तो एक और व्यवस्था बताई गई कि पूर्व रतानुस्मरण, पहले वाली बातों का, पहले वाली चीजों का, पहले वाली लोगों का, पहले वाले माहौल का, धन संपत्ति आदि का बहुत स्मरण, स्मरण ही नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। स्मरण करोगे तो वो तुम्हारे अपूर्व कर्म नहीं होंगे, क्या होंगे, पूर्व कर्म। कर्म मतलब परिणाम, कोई नए भाव नहीं, वही वही पुराने पुराने, क्रोध के भाव, गुस्सा के भाव, अभिमान के भाव, ईर्ष्या के भाव, आयाचारी के भाव, वही भी सब पुराने पुराने। बदले क्या है, कभी कभी इस पर बहुत चिंतन करना चाहिए त्यागी व्यक्तियों को, समझदार लोगों को, कि हम इतने साल में क्या बदले। बस बदलते बदलते बाल ही सफेद हो गए कि कुछ और भीतर से भी सफेद। गुस्सा खत्म हुआ है, आक्रोश का भाव खत्म हुआ है, शालीनता निर्मलता बढ़ी है, नहीं बढ़ी। ऐसे ध्यान में बैठने से, ऐसे सहज शांत होने से, एक सहज की शांत प्रकृति अपने भीतर से जाना, किसी किसी को देखना कि कितना भी आक्षेप करते जाओ फिर भी वो सहज बना रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर जवाब देता है छोटा सा सीधा साधा और उसमें पूरी बात खत्म। स्वभाव का आश्रय लेने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा बातचीत में पड़ता, इसलिए यहाँ काय सर्प वाले के लिए कहा कि काय आदि परग्रह को छोड़ करके, काय आदि परग्रह में स्थिर भाव छोड़ करके, ये मेरे हैं, ये शाश्वत हैं, ऐसे छोड़ करके निर्विकल्प रूप से अपनी आत्मा को जाना, उसे कायोस्तर होता है। ऐसा कायोस्तर करने वाला व्यक्ति नई नई अनुभूति, कुछ अपूर्वी आनंद का, ऐसा कायोस्तर वाला जीव की परम समाधि दशा को नियमसार बड़ा सुंदर ग्रंथ है, जिसमें व्यवहार को तो कम साधा है, निश्चय की तरफ से विशेष आगे बढ़ाने की कोशिश आचार्य श्री ने की है। परम समाज अधिकार नाम का स्वतंत्र अधिकार, और कहते हैं चारण गिरियं परिचत्ताय भावेण जो परम समाधि। एक तरफ अपन देखे तो जो परम कायोस्तर में लीन है वो व्यक्ति, दूसरे तरफ इस परम समाधि अधिकार की पहली गाथा 122 नंबर की जो यहाँ गाथा, इसे रखो तो ये व्यक्ति, दोनों के परिणाम लगभग एक जैसे। इसका मतलब है निश्चय तत्व में, परमार्थ तत्व में, परमार्थ कथन में कोई भी विषय रखें, सारांश वही निकलता है कि वचन की उच्चारण की क्रियाओं को छोड़ दे, वीतराग भाव को स्वीकार करे, अपने आत्मा को ध्यावे, उसी को परम समाधि है, उसी को परम आलोचना है, उसी को परम प्रतिक्रमण है, उसी को परम प्रायश्चित है, उसी को निश्चय व्रत है। अब सब बोलो एक बार 122 नंबर की सबसे पहली बात ये कहते हैं,
समाधि की बात तो सब लोग जानते हैं, एक शब्द तो बहुत फेमस हो गया समाधि है, जैसे और संप्रदाय में शब्द तो ऐसे चलता है कि जैसे हमारे गुरु अभी समाधि में लीन है, अगर वो ध्यान में बैठे हैं घंटे आधे घंटे के भजन कीर्तन में लगे हैं तो क्या बोलते हैं समाधि में लीन है। अथवा दूसरा होता है कि किसी तरह का कोई तप कर रहे हैं तो बोलते हैं कि समाधि में लीन है। और ये तो प्रसिद्ध अर्थ हो गया जैनों की तरफ से कि देह विसर्जन हो गया, मरण हो गया मुनिराज का, तो बोलते हैं समाधि हो गई। हिंदी भाषियों में ऐसा बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या देह छूटे तभी समाधि हो गई? दादाजी शांत हो गए, ये शब्द लोग शांत हो गए। अब जैसे आपके पास किसी का फोन आया और मैं कहा कि भाई साहब जल्दी आइए हमारे दादाजी शांत हो गए, अब आप उसको कहो कि भाई दादाजी शांत हो गए उसमें बुराई क्या है, शांत तो रहना ही चाहिए, शांत तो रहना ही चाहिए, इसमें हमारे आने की क्या जरूरत है? तो वो आपको अनाड़ी समझेगा, इनको शांत होने का अर्थ भी पता नहीं। फिर कहो या तो आपका अनाड़ी बोल दे या फिर समझाए कि शांत हो गए का मतलब है कि उनका देहांत हो गया, आपको भी बोल सकते रह जाएंगे कि मैंने कैसे बोल दिया कि अच्छे हो गए शांत हो गए। तो जैसे लोक व्यवहार में ये शब्द चलता है कि दादाजी शांत हो गए नाना जी शांत हो गए, शांत हो गए का मतलब सीधा हम ये कहें ये पूछने और लग जाए कि वो आज शांत हो गए तो क्या अभी तक अशांत ही थे? लोग व्यवहार में देखो तो अशांति ही रहते हैं लोग जब तक जीते हैं। कोई भगवान हो और तत्वदर्शी हो तो तत्व को समझ करके शांत हो जाए तो हो जाए, वरना उठा पटक चलता ही रहता है, मैं इसको देख लूंगा मैं उसको कर लूंगा, मुझे इसे बनाना है मुझे इसे बगाड़ना है, इसकी दुकान करवाना है घर बनवाना है, बस छह महीने और जी जाऊं लड़की की शादी और कर दूं पोती का शादी और देख लूं, ऐसे कर कर करके और वो अशांति। कोई होगा ऐसा जो सोचने में कि कोई बात नहीं जब आना है मृत्यु तो आवे, मुझे कोई फिक्र, मैंने धर्म का आश्रय लिया है मेरा जो कुछ होगा अच्छा, लाखों वर्षों तक जीविया मृत्यु यानी को क्या फिक्र है? बोलो आज आपकी मृत्यु आ जाएगी तो आप घबराओगे तो नहीं? आत्मा शाश्वत है, आपकी आत्मा शाश्वत इसलिए आप नहीं घबराओ। और जिन्हें अपनी आत्मा पर ही श्रद्धा नहीं है शाश्वतता का ही अनुभव नहीं है वो उनका क्या होगा? कोरोना से तो डरेंगे, डरना भी चाहिए। चौथे पांचवे छठे गुण स्थान वाले भी जबरदस्ती नहीं घुसेंगे कि कहाँ है बीमारी वाले लोग मुझे भी ले चलो वहां पर, तो वो बचेंगे इस चीज से। तो व्यवहार धर्म जो है व्यवहार दृष्टिकोण यही है कि विकार की चीजों में उलझो मत। जैसे महावीर कीर्ति जी का एक सूत्र है कि उपसर्ग परिचयों में जाके पढ़ो मत। आज इस काल के साधु आप इतने मजबूत नहीं है कि सामने से जाकर के तपती शिला पर बैठ करके तपस्या करना था, तो इसलिए सामने से जाकर के उपसर्ग में परिसर में मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालो मत। लेकिन तुम ध्यान आदि में बैठो और कदाचित कोई आपत्ति आ गई तो फिर घबरा के भागो, उस समय पर अब धैर्य से काम लो कि देह देह है और आत्मा ऐसे है। मैं बोले कि किसी से नहीं डरता, आज कोई बोले मैं किसी से नहीं डरता और उसको कहो कि है पड़ोस में कोरोना का मरीज है तुम उसको जरा दवा लेके आ जाओ, उसको जरा हाथ मिला के आ जाओ। तो ये डरने ना डरने की बातें सब फिजूल की है। सम्य दृष्टि की निरंतरता जो होती है वो तत्व ज्ञान की निरंतरता। डरता नहीं का मतलब ये नहीं कि शेर आ जाए और शेर से कहे कि भाई आए गए तो अब खा,
वो चेहरा आएगा अचानक एक बार उसको ऐसे चारे तरह संबंधी भाई हो सकता, लेकिन उसका ऐसी निर्भयता पक्की है कि आत्मा शाश्वत है। समाधि करने वाली जो देह विसर्जन करने वाली प्रति मुनि प्रबुद्ध जन होते हैं वो भी इसी आधार पर कि आत्मा का कुछ बिगड़ना। लेकिन यहाँ तो परम समाधि की और बात है। परम समाधि का मतलब है जीते जी ऐसे सम परिणाम होना, ऐसी सम बुद्धि होना, ऐसी निर्मलता होना कि किसी प्रकार का राग द्वेष मोह का तरंग भी चित्त में पैदा, ये मरने वाली समाधि की बात, संसारी की संलेखन की बात नहीं। ये तो आप साधना के क्षेत्र में, आप निर्मलता के क्षेत्र में इतने इतने निर्मल हो गए हैं कि परम समाधि में पीछे भी नहीं होता। उनने गाली सुना दी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने आकर के जीत गा दी है जय जयकार कर दी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे नाम से कोई बड़ी संस्था बना दी, बड़ा बोर्ड लगा दिया, बड़ा सुंदर फोटो खड़ा कर दिया कोई, और लगा हुआ था नाम फोटो सब निकाल के एक तरफ रख दिया, तो भी समाधि का मतलब यहाँ लेना खूब निर्मल समता के परिणाम कि किसी कारण से उसमें विच्छेद क्षोभ ना हो पाए, ऐसे अपने परम समाधि कष्ट अपन भी करें, वचन उच्चारण आदि की क्रियाओं को छोड़कर के वितराग भाव से जो ध्यान करता है अपने आत्मा का उसे परम समाधि। कैसे करना आत्मा का ध्यान? कैसे करते हैं आत्मा का ध्यान? सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना पड़ेगी कि पहले तो वचन मुंह बंद करो, तुम जितना हम बोलते रहोगे तो हमारे साथ लगभग ऐसे होगा, यूं हम यहाँ से अंदर जाते हैं लगभग मौन ले लेते हैं। बहुत जरूरी हुआ कोई व्यक्ति तो खड़े खड़े आधा एक मिनट के लिए कोई इशारा करते हैं, कल ऐसे कुछ हुआ कि पहले एक जन से थोड़ी सी बात, इसमें दूसरे जन आ गए तो उन्हें भी देख लिया कि महाराज जी कुछ बोल गए तो उन्हें भी अपनी बात कर ली थी समाधान, फिर तीसरे जन आ गए ऐसे करते करते 12 बज गए और हम बोल ही ना रहे होते तो हम 11:30 पौने 12 पर से बैठ सकते थे समाज में ध्यान बराबर। तो मतलब क्या है कि सबसे पहले तो वचन व्यापार पहले खुद का छोड़ो, बाह्य वचन व्यापार अंतर जल्प तो ठीक है छोड़ना ही, पहले यहां से चलूंगा और वचनोच्चारण क्रिया छोड़ी कि आधे लोग ऐसे ही कट जाते हैं महाराज तो चुपचाप बैठे रहते मौन बैठे रहते क्या बात है ना, चलो दूसरे महाराज के पास चलो होता है कि नहीं होता है। फिर जो ज्यादा बातें करते ज्यादा इशारा करते लोग आत्मा चिपकते, फिर कभी उनकी प्रशंसा करते हैं और फिर कभी क्या होता धीरे धीरे उनकी निंदा भी करने लगते हैं महाराज वो तो मौन रहते हैं आप तो बोलते रहते हैं, महाराज जी वो तो सामायिक कर रहे हैं और आप इन पर बातें कर रहे हैं, तो फिर अपन को लगता है इसलिए सबसे पहले वचन उच्चारण की क्रिया को छोड़ो और उसके बाद धीरे धीरे अंतर जल को छोड़ो, मन संबंधी चेष्टा को मंद करो स्वरूप में छोड़ो। यहाँ तो कहा है क्वचित क्वचित असो पंचनाथम वचन प्रपंचाचित परम वितराग सर्वज्ञास्तवनादिकं कर्तव्यम्। असो से बचने के लिए परम वितराग जिनका स्तवन आदि करना, वास्तव में प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों तरह की क्रियाएं भी मोक्ष मार्ग में ये हैं। एक आत्मानुभूति भूमिका के अनुसार शासन की तत्व की आराधना करते हुए जय हो गई।